ये क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कर रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको दे दिया है, अगेन आपको एक फिगर दे दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस फिगर को ड्रा कर लेते हैं। जीरो हो गया। और देखिए बाबू, सारा लाइन तो पारना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जितना आपको एक्चुअल में जरूरत है उतने ही नंबर को हम लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कॉपी पर ही लिख लीजिएगा। जैसे देखिए, ग्राफ पेपर में आप देख रहे होंगे, ये जो बी पॉइंट है, यानी ये बी हो गया, ये सी है, ठीक है, ये क्या है, डी है। ठीक है, चलिए, और ये क्या है, नीचे टाइम दे दिया है आपको, और ये आपको क्या दे दिया है, डिस्टेंस है। ये आपको डिस्टेंस है, वो भी डिस्टेंस किसमें हुआ, वो सेंटीमीटर में। और आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस किसमें है, सेंटीमीटर में, और बी के सामने कितना है, वो तीन है, यहां पर हम तीन लिख लेते हैं, ये सारे सेंटीमीटर में। ठीक है, बी और सी हो गया, और क्या है, डी। डी किसके सामने है बाबू, डी सेवन के सामने है, डी के सामने हम यहाँ पर हम सेवन लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, और डी के सामने नीचे में टाइम कितना है, पांच है, तो बी के सामने पांच लिख लेते हैं, और सी के सामने कितना है, सात है, और डी के सामने नौ। सी के सामने सात है और डी के सामने नाइन है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डिफरेंट टाइम्स इज शोन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फॉर्म करना है, कि ए से बी तक जा रहा है, ये यहाँ पर जो पॉइंट है क्या है, ये दे दिया है। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछ रहा है कि ए से बी तक जाएगा पॉइंट, ए से बी तक, यानी ए टू बी, हाँ, तो ए टू बी तक उसका वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहले ए टू बी, यही लाइन बन रहा है बाबू, क्या है, ये ए है, ए बी है, तो ए से बी हम लेके चलते हैं। ठीक है बाबू, तो ए से बी में टाइम कितना लगा है, यदि हम ए टू बी निकालना चाहें, यहाँ पर टाइम कितना है बाबू, टी बराबर 5 सेकंड हो गया। ठीक है, एस कितना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करा है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। और आपको क्या दे दिया है, आपसे पूछ गया है कि यहाँ पर भी कितना लगा है। ठीक है, चलिए बाबू, तो ये तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, भी निकालना है, तो सबसे पहले एस का जो है 3 सेंटीमीटर, इसे हम किस में चेंज कर, इसे हम सबसे पहले किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में आप क्या लिख सकते हैं, 3/100, यानी क्या हो जाएगा, लिखना चाहें भी तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 0.03। ठीक है, तो मीटर में क्या हो जाएगा, 0.03 मीटर। अब आप फिर से ग्राफ को ध्यान से देखिएगा बाबू, तो ग्राफ को देखने से आपको क्या पता चल रहा है, कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 9 के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 है, तो 2 से 5 जा रहा है बाबू, सपोज कीजिए 2 से क्या जा रहा है, या 5 जा रहा है, तो 2 से 5 जा रहा है, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकंड है, 3 सेकंड, और डिस्टेंस एस बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम सिंपली एस बराबर क्या लगा देंगे, वीटी लगा देते हैं। ठीक है, तो एस बराबर वीटी आप लगा दीजिए, तो एस बराबर वीटी तो क्या हो जाता है, तो यहां से एस क्या है, 3 सेंटीमीटर में, तो इसे हम चाहते हो सकता है तो इसे हम मीटर में भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3/100 मीटर। ठीक है, तो यदि हम सेंटीमीटर में से निकलना चाहें, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, एस बाई 3,
एस कितना है 3 सेंटीमीटर और टाइम कितना है 3 सेकंड है, यानी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है यदि इसे हम दूसरे वे में निकालना चाहें तो दूसरे वे में भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो दूसरे वे में क्या निकालेंगे 3/100 मीटर ना, यानी क्या हो जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है तो यहां से भी हम भी निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा 0.03 मीटर ना बटा 3 सेकंड। डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी क्या हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ये हमने किसका निकाला है बाबू, एस टू बी का निकाला है। ठीक है ए टू बी का निकाला है ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि बी टू सी तक इसका वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा। अब ध्यान से देखिए 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी टू सी तक निकालना है। ठीक है बाबू बी टू सी तक, तो बी टू सी तक देख लीजिए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो बी टू से बी पर वो कितना था बाबू 3 मीटर 3 सेंटीमीटर ही है और सी पर भी वह कितना है 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 0 सेंटीमीटर ना, यदि डिस्टेंस 0 है तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है तो बी से टी तक सी तक सिर्फ समझना था, अब आ जाते हैं सी टू डी तक। ठीक है तो सी टू डी तक निकालना, तो सी टू डी तक टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 2 सेकंड आ जाएगा क्योंकि सी कितना था 7 सेकंड ना, डी कहां पर है 9 सेकंड पर, 9 सेकंड के सामने ना, तो टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। डिस्टेंस कितना है, सी कितना था 3 मीटर पर और डी कहां पहुंचा है बाबू 7 मीटर पर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल कर लिया है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है तो एस बराबर अगेन भी टी यूज कर दीजिए, तो भी बराबर क्या हो जाएगा एस बाई टी ना, एस कितना है 4 सेंटीमीटर, टाइम कितना है 2 सेकंड, यानी इसे हम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है